हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। एज यू ऑल नोज आई एम शाइस्ता। ठीक है, लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर का आप लोग को बेसिक बता दिए थे कि स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। अब आते हैं थोड़े डेप्थ में। अब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेस्टेड का मतलब आप लोगों को समझ में आता है, नेस्टिंग ऑफ लूप, नेस्टिंग ऑफ एरे, मतलब नेस्टिंग किसी भी चीज़ का, डिसीजन मेकिंग का नेस्टिंग, लूप का नेस्टिंग, एरे का नेस्टिंग, स्ट्रक्चर का नेस्टिंग, किसी भी चीज़ का नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वन विद इन अनदर। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अदर स्ट्रक्चर। ओके, एज वी डिक्लेयर स्ट्रक्चर मेंबर इनसाइड स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी अ नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल टू एक्सेस द डेटा। क्लियर है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर का मेंबर आप लोग को क्लियर कर दिए थे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्लियर कर दिए थे, तो स्ट्रक्चर का जो नीचे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, पॉइंटर भी हो सकता है। ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर आर अलाउड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी कैन राइट वन स्ट्रक्चर इन साइड अनदर स्ट्रक्चर एज, कैसे, एग्जाम्पल देखो आप लोग यहाँ पे देखो, एक स्ट्रक्चर लिए है ना, एक स्ट्रक्चर लिए हैं ए जिसमें दो मेंबर हैं, है ना, एक इंटीजर मेंबर है स्मॉल ए, दूसरा इंटीजर फ्लोट मेंबर है स्मॉल बी। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर लिए हैं बी जिसके अंदर पहले स्ट्रक्चर को कॉल किए हैं। ठीक है ना, क्लियर है, तो बी स्ट्रक्चर के अंदर ए स्ट्रक्चर को कॉल किए हैं ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में क्या पढ़े हो, फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन में अलग अलग तरह का आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं नॉर्मल वेरिएबल रहता है ना, अभी तक नॉर्मल हम लोग वेरिएबल पास किए थे, एरे पास किए थे, है ना, अभी हम लोग क्या पास कर सकते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या है, स्ट्रक्चर में तो कलेक्शन है उसके मेंबर का भी, है ना, और होल स्ट्रक्चर भी है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी हम पास कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के मेंबर को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर की तरह भी पास कर सकते हैं, वही है, पासिंग द इंडिविजुअल मेंबर टू फंक्शन, पासिंग होल स्ट्रक्चर टू फंक्शन, पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर टू फंक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, आई एम स्किपिंग दिस पार्ट की पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर टू फंक्शन, एक्चुअली पॉइंटर आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम थोड़ा सा बेसिक बता दिए थे लास्ट क्लास में, पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। ठीक है, पासिंग इंडिविजुअल मेंबर टू फंक्शन, इंडिविजुअल जो मेंबर है स्ट्रक्चर का उसको फंक्शन में कैसे पास करते हैं, जैसे हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते थे वैसे ही स्ट्रक्चर के नॉर्मल मेंबर को भी वैसे ही पास करेंगे। ठीक है, ये पिछले हम लोग कर चुके हैं, स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी पास टू फंक्शन एज एक्चुअल आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल लाइक ऑर्डिनरी वेरिएबल एस आई सेड। नेक्स्ट इज द पासिंग होल स्ट्रक्चर टू फंक्शन, होल स्ट्रक्चर को कैसे पास करेंगे, वो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो वेरिएबल को पास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, हम लोग जब मेन फंक्शन से पास करते थे इंटीजर डेटा, तो जब फंक्शन को डिफाइन करते तो वहाँ पे कोई भी एक इंटीजर कंटेनर लेते थे उसको रिसीव करने के लिए, मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए एक फॉर्मल आर्गुमेंट लेते थे ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंटेनर हमारा स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, है ना, स्ट्रक्चर पास करेंगे और सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल में रिसीव करेंगे तो वो होगा, नहीं होगा, सेम टाइप का सेम स्ट्रक्चर का दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे इंटीजर का ही दूसरा वेरिएबल लेते थे उसी तरह जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उस टाइम पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में सेम स्ट्रक्चर का
कोई भी वेरिएबल लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो वेरिएबल स्ट्रक्चर का वेरिएबल वहाँ से पास करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में भी सेम स्ट्रक्चर का दूसरा वेरिएबल लेंगे। सिंटैक्स देख लो, होल स्ट्रक्चर कैन बी पास टू अ फंक्शन बाय द सिंटैक्स फंक्शन नेम स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम। क्लियर है जो अभी बोले? ठीक है, और ये यहाँ पे इसी तरह से ये देखो ऐसे कॉल करेंगे तो इस जगह पे स्ट्रक्ट टैग वाले जगह पे लिखेंगे जो भी आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल नाम डाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन। एरे कैसे पास करते थे? एरे पास करते थे तो एरे में रिसीव करते थे ना, तो इसी तरह स्ट्रक्चर का एरे अगर हम पास करेंगे तो स्ट्रक्चर के एरे में रिसीव करेंगे, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट खाली वैसे ही डालेंगे। तो पासिंग एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर टाइप टू अ फंक्शन इज सिमिलर टू पासिंग एन एरे ऑफ एनी टाइप टू द फंक्शन। क्लियर है? दैट इज द नेम ऑफ द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज पास बाय द कॉलिंग फंक्शन विच इज द बेस एड्रेस। हम लोग क्या जब पास करते थे उस टाइम में सिर्फ नेम डालते थे, है ना, और एरे क्या रहता है, एरे इटसेल्फ पॉइंटर रहता है, वो नेक्स्ट 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 सारे को पॉइंट करते जाता है, क्योंकि एरे कंटिजुअस मेमोरी को एलोकेट करता है। तो हम लोग सिर्फ एरे का नाम डालते हैं क्योंकि नाम में क्या रहता है, उसका बेस एड्रेस रहता है, है ना, और वो कंटिन्यूस मेमोरी को एलोकेट करता है, तो वो सारे को डालने का जरूरत एड्रेस से ही सारा हमको मिल जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि सिंपल एरे का नाम यहाँ पे भेजते हैं, दैट इज़ द नेम ऑफ द एरे ऑफ द स्ट्रक्चर इज पास्ड बाय द कॉलिंग फंक्शन विच इज़ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट आते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर में। देखो अभी सिंपल स्ट्रक्चर एक बना करके सिंपल स्ट्रक्चर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाए थे, उसका अगर एरे बनाएंगे तो वो एक स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही 10 अगर बनाएंगे तो 10 स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एरे क्योंकि स्ट्रक्चर का है तो हर एक स्ट्रक्चर का 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग देना पड़ेगा। देखें उसी चीज़ को यहाँ पे देखो, ये एक एरे लिया हुआ है सिंपल ऑर्डिनरी एरे, और यहाँ पे क्या है उस एरे का यहाँ पे डिफाइन करके बताया गया है ना। ये देखो ये नेक्स्ट वाला जो है ना ये बड़ा, ये अंदर एक स्ट्रक्चर है, अंदर यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 जो 99 तक है हर एक में एक स्ट्रक्चर है, और वो सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाने पे ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, बट उम्मीद है कि बेसिक तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखो ये वाले फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर है ना, 1, 2, 3 डॉट डॉट जितना भी हो सकता है, 99 स्ट्रक्चर सेम ही है ना। एक स्ट्रक्चर उसका अगर हम 10 एरे क्रिएट करें हैं तो उसी सेम स्ट्रक्चर का अलग अलग एरे क्रिएट होगा और उसी को वो इंडेक्सिंग करेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम जो कॉल करेंगे, अब हम जो लूपिंग का काम करेंगे वो एरे के इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से करेंगे, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर से उसके मेम्बर को एक्सेस करेंगे। क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो पसंद आए तो। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।